बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की आसान सिंधी में सबक सतूं यानी सातवां सबक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बनु उमैया ख़ानदान मां एक मशहूर ए नेक खलीफो थी गुज़रियो आहे। खलीफे थियण का अगे पान इंतहाई आराम ए आसाइश वाली जिंदगी गुजारिंदो हो। खेस जेको भी वजीफो मिलंदो हो सो पेंजे आराम ए आसाइश ते खर्च करे छड़ींदो हो। खलीफे थियण का पोए हिन जी तबीयत में तमाम वड़ी तब्दीली अची वही। ढाढ़ो सादो गुजारण लगो ए मानू सा भी तमाम सोहणे सुलूक सा पेश अचण लगो। गाल कंदा आहिन त पान कें अमीर के चवई मोकलियाई त असां वट जल्द अचो जो तहां के हिकड़े मुल्क जो नवाब मुकरर कयो अथों। अमीर इन्हें पैगाम मिलण ते ढाढ़ो खुश थियो ऐं झटपट अची हाजिर थियो। पर छा डिसे त खलीफो पेंजन बारन सा वेठो रांद करे। इहो डिसी ढाढ़ो अजब लगस। खलीफे के चयाई त साईं गुस्ताखी माफ़, अहीं मुल्क जा वाली सो बारन सा कीं वेठा रांद करियो। किथे अहीं किथे बारन सा रांद? आऊं तो पेंजे बारन के अग्यां अचण भी ना दींदो आहां। कें के हिम्मत न थींदी आहे जो मुझे अग्यां अचे को अखर भी गालहाए सके। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अमीर जी इहा गाल ढाढ़ी दुखी लगी। खेस चयें त तू असांजे कम जो ना आहीं। जैं शख्स के पेंजे बारन सा प्यार ना आहे सो रैयत सा कहड़ो सुलूक कंदो? तो जेहड़े मानू मां रैयत के सुख मिलन जी उम्मीद करण अजाई आहे, हाने मोटी वन असां के तुझी जरूरत ना आहे। इस पूरे सबक का उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बनु उमैया ख़ानदान मां एक मशहूर ए नेक खलीफो थी गुज़रियो आहे। यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह बनु उमैया ख़ानदान में से एक मशहूर और नेक खलीफा गुज़र चुके हैं। खलीफे थियण का अगे पान इंतहाई आराम ए आसाइश वाली ज़िंदगी गुजारिंदो हो। यानी खलीफा बनने से पहले आप इंतहाई आराम और आसाइश यानी आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजारा करते थे। खेस जेको भी वजीफो मिलंदो हो यानी आपको जो भी वजीफा यानी जो भी पैसे दौलत मिलती थी सो पेंजे आराम ए आसाइश ते खर्च करे छड़ींदो हो। यानी वो आप अपने आराम और आसाइशों पर खर्च कर देते थे। खलीफे थियण का पोए हिन जी तबीयत में तमाम वड़ी तब्दीली अची वही। यानी खलीफा बनने के बाद आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। ढाढ़ो सादो गुजारण लगो यानी बहुत ज़्यादा सादा गुजारने लगे। ऐं मानू साब तमाम सोहणे सुलूक सा पेश अचण लगो और लोगों से भी बहुत ज़्यादा अच्छे सुलूक से पेश आने लगे। गाल कंदा आहिन यानी बात करते हैं त पान कें अमीर के चवई मोकलें त असां वट जल्द अचो। यानी आपने किसी अमीर को कहकर रवाना किया कि हमारे पास जल्द आओ जो तहां के हिकड़े मुल्क जो नवाब मुकरर कयो अथों, जो आपको एक मुल्क का नवाब मुकरर किया है। अमीर इन्हें पैगाम मिलने ते ढाढ़ो खुश थियो। अमीर इस पैगाम के मिलने पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ ऐं झटपट अची हाजिर थियो और फौरन हाजिर हो गया। पर छा डिसे त खलीफो पेंजे बारन सा वेठो रांद करे। पर क्या देखता है कि खलीफा अपने बच्चों के साथ खेल रहा है यानी खेल रहे हैं। इहो डिसी यानी ये देख कर ढाढ़ो अजब लगस। यानी ये देख कर बहुत ज़्यादा अजीब लगा उसे। खलीफे के चयें त साईं गुस्ताखी माफ़, यानी खलीफे को कहा कि साईं गुस्ताखी माफ़, अहीं मुल्क जा वाली यानी आप मुल्क के मालिक बादशाह सो बारन सा किएं वेठा रांद करियो? तो बच्चों से कैसे खेल रहे हैं, बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हैं? किथे अहीं यानी कहाँ आप, किथे बारन सा रांद और कहाँ बच्चों से खेलना या खेल? आऊं तो पेंजे बारन के अग्यां अचण भी ना दींदो आहां। मैं तो अपने बच्चों को मेरे सामने आने भी नहीं देता।
कंखे हिम्मत ना थींदी आहे, यानी किसी को हिम्मत नहीं होती है जो मुझे अग्या अचे, जो मेरे सामने आए, को अखर भी गालाए सके, कोई हर्फ भी बोल सके, कोई लफ्ज़ भी मेरे सामने आकर बोल सके। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अमीर जी इहा गाल ॾाढी ॾुखी लॻी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को अमीर की ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लॻी, यानी मुश्किल महसूस हुई। खेस चई त तूं असांजे कम जो न आहीं, यानी उसको कहा कि तू हमारे काम का नहीं है। जिन शख्स के पंहिंजे ॿारनि सां प्यार न आहे, जिस शख़्स को अपने बच्चों से प्यार नहीं है, सो रैयत सां कहिड़ो सलूक कंदो, तो आवाम के साथ कैसा सलूक करेगा। तो जहिड़े माण्हू मां रैयत के सुख मिलण जी उम्मीद करण अजाई आहे, यानी तुझ जैसे शख्स से आवाम के लिए सुख यानी आराम मिलने की उम्मीद करना फजूल बात है। हाणे मोटी बन, अब लौट जा, असांखे तुंहिंजी ज़रूरत न आहे, यानी हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। इस सबक का ख़ुलासा यह है कि मुसलमानों के एक अजीम खलीफ़ा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी की एक बेहतरीन मिसाल इस सबक में पेश की गई है, जिसमें आप रदी अल्लाह ताला अन्हु एक अमीर को किसी मुल्क का गवर्नर बनाना चाहते थे, मगर जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि वो अमीर बहुत सख्त मिजाज है और किसी को अपने सामने आने नहीं देता, अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, किसी को अपने सामने आकर कोई हर्फ कोई लफ्ज़ बोलने नहीं देता, तब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस अमीर को कहलवा कर भेजा कि जब तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं है तो फिर तुम आवाम के साथ कैसा सलूक करोगे। मुझे उम्मीद है कि यह सबक तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।